गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है ऑल न्यू टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एडिशन। जितना बड़ा नाम है इसका उतने ही इसमें फीचर हैं, और वही सब फीचर आज हम देखेंगे और देखेंगे BS6 में क्या कुछ चेंज हुए हैं। और लास्ट में मैं इसका आपको प्राइस बताऊंगा और बताऊंगा आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर आपको एक्टिवा 125 के साथ जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा LED DRL के साथ। यहीं पे हमें जो दूसरा वेरिएंट मिलता है उसमें आपको हेलोजन बल्ब भी मिलेगा, और इसका डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे और अपने भारत का फ्लैग मिलेगा आपको। इसमें हैजर्ड लाइट का भी ऑप्शन आता है, सो नाइट में अगर आप जाएंगे तो आपकी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। और आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी एजी डिज़ाइन है, डुअल टोन में है ये। मडगार्ड आपको डुअल टोन मिलेगा मैट ब्लैक और ग्लॉसी रेड में। यहाँ पे फ्रंट अलॉय आपको मिलेंगे 12 इंच के, और टायर साइज है 100x80, सो काफ़ी चंकी टायर है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटॉर्क रेस एडिशन की स्टिकरिंग, और नीचे आपको RTFI मिलेगा, मतलब रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्टर। सो इस आपको जैसे पता ही है कि BS6 में फ्यूल इंजेक्टर आने लग गए हैं, सो उसे ट्यून भी कर सकते हैं इकोनॉमी और स्पीड के हिसाब से। और यहाँ से इसका व्यू देखें तो काफ़ी एजी डिज़ाइन है और बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया है TVS ने। और यहाँ पे लेग स्पेस देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ TVS रेसिंग की स्टिकरिंग, और ये डुअल टोन में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। एक्चुअली 3 कलर हैं इसमें। प्लास्टिक जहाँ भी यूज़ करा गया है उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, और फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको हुक मिलेगा, साथ ही में इसकी सीट के नीचे आपको 22 लीटर का स्पेस मिलेगा, सो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और साथ ही में आपको LED लाइट मिलेगी अंदर, एंड चार्जिंग पॉइंट भी है। और यहाँ से पीछे से आप डिज़ाइन देखें तो काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है। यहाँ पे एंटॉर्क की बैजिंग और रेस एडिशन की स्टिकरिंग, और इसमें जो स्टिकर्स यूज़ करें हैं काफ़ी बेहतरीन है। पीछे आपको 12 इंच के ही अलॉय मिलेंगे, 110x80 का साइज़ है, और काफ़ी चंकी टायर है, सो काफ़ी स्पोर्टी लगता है देखने में। यहीं पे TVS लिखा हुआ देख सकते हैं आप। और जो इसका रियर है, मेन हाईलाइट इसका रियर है, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर जैसी टेल लाइट मिलेगी, और यहाँ पे फेक वेंट्स हैं, बट काफ़ी अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे। इंजन की बात करी जाए तो आपको इसमें मिलेगा 124.8 सीसी का इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 9.38 BHP और 10.5 Nm ऑफ टॉर्क। अगर इसके कंपटीशन से कंपेयर करें, जैसे माइस्ट्रो एच 125 है, सो उससे ये ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है एंड ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप CVT रेव का स्टिकरिंग देख सकते हैं, और जो इसमें फ़ैन है वो रेड कलर का दिया गया है, नॉर्मली वाइट कलर का आता है। और यहीं पे आपको 5.8 लीटर का टैंक मिलेगा, जो कि माइलेज देगा 40-42 KMPL का, सो इस इंजन के हिसाब से काफ़ी ठीक माइलेज है इसका। और यहाँ पे इसका हैंडल देखा जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन देता है। यहाँ पे आपको कार्बन फिनिश में मिलेगा, और लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे इंडिकेटर्स, लाइट के कंट्रोलर्स, हॉर्न, और राइट साइड में आपको मिलेगा हैजर्ड लाइट के बटन, इंजन किल स्विच, और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। सो स्कूटी में इंजन किल स्विच मैंने पहली बार देखा है, वैसे एक्टिवा में भी आता है। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा टच दिया हुआ है, हैजर्ड लाइट का बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि नाइट में राइड करना इजी हो जाता है और थोड़ा सेफ हो जाता है। और यहाँ पे आपको मिलेगा फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसे आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सो किसी की कॉल और मैसेज आता है तो यहाँ पे दिख जाता है। साथ ही में आपको ट्रिप पे ट्रिप भी मिलेगा, और साथ ही में स्ट्रीट मोड मिलेगा, स्पोर्ट्स मोड मिलेगा, आप लैप काउंट कर सकते हैं, टॉप स्पीड क्या टच करी है आपने वो काउंट कर सकते हैं। सो बहुत सी फीचर्स हैं इसमें। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं बना दूंगा। और आप इसका सुनते हैं एग्जॉस्ट साउंड। वैसे स्कूटी का एग्जॉस्ट कोई मतलब बनता नहीं, बट इसकी आवाज़ काफ़ी बेहतरीन है। TVS अपने एग्जॉस्ट के साथ पता नहीं क्या करते हैं, बट जो भी है बहुत ही बेहतरीन आवाज़ आती है। चाहे आप अपाची की सुन लो या इसी की सुन लो, काफ़ी बढ़िया आवाज़ और स्पोर्टी आवाज़ आती है। और अगर प्राइस की बात करें तो आपको ये पड़ेगी 95,000 की, सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्कूटर हो जाता है, बट अपने सेगमेंट में इसमें फ़ीचर भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है। सो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ, आप ज़रूर ले सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल यूज़ भी करना है तो ये काफ़ी बढ़िया स्कूटर है, फीचर लोडेड है, सेफ है, क्योंकि इसमें आपको सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।